हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो अभी सुबह हो गई है मेरी और मैं रिद्धु को रेडी कर चुकी हूँ, रिद्धु का टिफिन विफिन बना चुकी हूँ और अब रिद्धु को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ, बस के पास छोड़ने जा रही हूँ। ये बस आ गई और रिद्धु भी जा चुका है और उसके बाद मैं अपना सुबह का जो मेरा डेली रूटीन होता है, झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ, नहा चुकी हूँ, सब करवा के रिद्धु को स्कूल भेज के मैं किचन में आई हूँ। और मैंने आज बनाया है दाल, भिंडी की मसाले वाली भाजी और भिंडी की भुजिया, तोरी की भाजी और रोटी, ये मैंने बनाया था। और उसके बाद मैं कुछ खास सूट नहीं कर पाई, फिर अभी शाम हो गई, मैंने पार्सल मंगाया था और मैंने मंगाया था ट्राईपॉड। इसकी हाइट लगभग 7 फीट है और काफ़ी अच्छा है, तो पिछला वाला जो था मेरा वो रिद्धु ने तोड़ दिया था, तो इसलिए मुझे दोबारा ऑर्डर करना पड़ा है। तो अभी पूजा का समय हो गया है और मैं पूजा कर रही हूँ संध्या आरती। इसके बाद अंदर पूजा करने के बाद फिर मैं बाहर गई, बाहर तुलसी जी के पास डेली दिया जलाते हैं और रिद्धु ने आज केले का भी पौधा तोड़ दिया है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? अभी शाम हो रही है और मैं डिनर बना रही हूँ। तो आज मैं सिंपल चावल दाल बना रही हूँ, दाल सिंपल नहीं है, दाल में घिया चने की दाल बना रही हूँ मसालेदार। अभी मम्मी शायद जो बेसन की सब्जी बना सकती हैं, अभी टहलने गई है, उनके मूड में डिपेंड करता है, आएंगी तो शायद बनाए। और मैंने आपको दिखाया था एक वीडियो में कि मैंने किचन का थोड़ा सा मेक ओवर किया है, तो मैंने क्या किया है मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो ये सब मैंने रखे हैं डब्बे, ये पहले ये बास्केट में रखे थे, इस साइड पे रखे हुए थे, तो मैंने ये वाला साइड पूरा खाली कर दिया है क्योंकि पूरा भरा हुआ लगता था और इंडक्शन रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी। इसमें मैंने इसमें डब्बे इधर रख दिए हैं और थोड़े से इधर भी शिफ्ट कर दिए हैं। और ये एक बार यहाँ पर लगाई है, एक यहाँ पर लगाई है, कप मैंने यहाँ पर लगा दिया है और मिक्सर वगैरह वहाँ पे रहता था, तो मिक्सर भी मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी जगह हो गई है और मैं आराम से यहाँ पे खाना ही बना ले रही हूँ, क्योंकि पहले दिक्कत होती थी, मेरी गैस यहाँ तक आ जाती थी, यहाँ पे पूरा जगह भरी हुई रहती थी, तो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी और खाना बना के रखने में भी दिक्कत आती थी मेरे को। और मेरा ये माइक्रोवेव भी नीचे रखा था यहाँ पे, उसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, कि इसका बहुत रेयर यूज होता है, हम लोग रेगुलर यूज नहीं करते हैं अवन का, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर शिफ्ट कर दिया है। ये ऊपर है और बाकी घर आप देख रहे हैं, ये हो गया है, काफी स्पेस हो गया है यहाँ पे। और ये जो डब्बे ऊपर है बड़े वाले, ये भी नीचे थे, उसको हमने ऊपर रख दिया है, इसका थोड़ा कम यूज होता है, इसलिए पीछे की साइड रख दिया है। घर का भी स्पेस थोड़ा सा खाली हो गया है और ये सब मतलब घर का शिफ्ट करते गए हैं, यहाँ थोड़ा सा खाली कर दिया है नीचे भी। और सोनू भी ऑफिस से आ चुके हैं और आशी के साथ बैठ के म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हैं, दोनों का ये टाइम रहता है म्यूज़िक एंजॉय करके डांस करते करने का। फिर उसके बाद मैं किचन में आई और चाय वाय बनाई, हम लोगों ने चाय वाय पी, फिर मैंने बनाया, आज मैंने बहुत सिंपल खाना बनाया था और फिर सोचा कुछ और भी बनाते हैं, तो रायता खाने का मन था पर बूंदी नहीं थी, बूंदी का रायता बहुत पसंद है घर में सबको, तो फिर शॉप पे जाने का मन भी नहीं था, तो सोचा घर में ही बूंदी बनाई जाए, तो मैंने घर में बूंदी बनाई, उसके ये काफ़ी अच्छी बनी थी। और साथ में सोचा कुछ और भी बनाया जाए, तो मैंने पराठा बनाया, प्लेन पराठा खाने का मन नहीं था, मैंने अभी कुछ टाइम पहले वीडियो देखी थी तो मैंने गार्लिक पराठा बनाया, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया गार्लिक पराठा और वाकई बहुत टेस्टी बना था दोनों। और दही भी घर में मैंने मंगा के रखी हुई थी, दिन में ही बनाना तो कुछ और था पर ये बना दिया, और दोनों चीज़ बहुत टेस्टी बन गई थी। और अगर आप लोग को इसका वीडियो चाहिए तो मैंने ये रेसिपी शेयर की है अपने चैनल पे, दोनों की रेसिपी शेयर की है, जाके आप देख सकते हैं और वैसे ज़रूर ट्राई करना एक बार आप लोग, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं
और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरा लाइक करिए, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल मेरा सब्सक्राइब करिए। ये लग रहा है ना, पहले प्लेन पराठा टेस्ट करके देखिए, प्लेन देखिए उसमें फीलिंग है कुछ। यहाँ पे मैं मम्मी से पूछ रही थी कि कैसा बनाए, कुछ भी हम लोग अलग बनाते हैं सबसे पहले मम्मी को ही टेस्ट करवाते हैं और उनसे पूछते हैं, एक्चुअली बोले तो फीडबैक लेते हैं उनसे टेस्ट का कैसा बनाया। फिर मैंने आज बहुत सिंपल बनाया था, चावल दाल, सबको खाना खिला दिया है, किचन साफ़ कर दिया है, बर्तन धुल चुके हैं। मैं जा रही हूँ खेलने खेलने जा रही हूँ। मैं तो सोऊंगी, किस सोने जा रही हूँ, थोड़ी सा सोऊंगी अभी, तो मैं एक घंटे बाद सोऊंगी। ये घंटे बाद काजल देखिए इस लड़की का, मैं इतना सुंदर काजल लगाई थी। बाय, गुड नाइट।